मैंने अभी आपको कहा था कि मैं आज आपकी मुलाकात करवाने वाली हूँ। फरा नाज है मेरे साथ, शी इज अ प्रिंसिपल। सबसे पहले तो फरा, आप खुद ही से अपना इंट्रोडक्शन करवाओ, वो आप ज्यादा बेहतर करा सकती हो कि आपका स्कूल में, आप कौन से स्कूल में प्रिंसिपल है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू आयशा फॉर द अपॉर्चुनिटी। मेरा नाम अगेन फरहनाज है एंड अल्लाह तआला तआला ने मुझे ऑनर दिया कि मैं आई वर्क एज प्रिंसिपल एट एवरेस्ट एकेडमी। हमारा स्कूल ह्यूस्टन एरिया में है, प्राइवेट इस्लामिक स्कूल। हमारे पास प्री के से लेकर हाई स्कूल तक की क्लासेस हैं। अल्हम्दुलिल्लाह द स्कूल शुरू हुआ था 15 साल पहले, and brick by brick, inch by inch, alhamdulillah, we made great progress since we started the campus. Alhamdulillah. Farah, मेरा question एक है, क्योंकि last week में मैंने interview किया था मलिहा से, तो बहुत से लोगों ने question भी पूछा था, हालांकि मैंने उसमें भी clear किया था कि is this Islamic only Islamic school? तो जब बच्चे regular school में जैसे जाएंगे तो उनको प्रॉब्लम होगी या क्या होगा, तो क्या तरीका है यहाँ पे, आपका एजुकेशन का लेवल क्या है, और वो उसके बारे में थोड़ा सा बता दो। ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दैट, दैट्स अ ग्रेट क्वेश्चन। हम लोग हिस्ट्री में हैं और हम लोग स्टेट का ही करिकुलम फॉलो करते हैं, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सोशल स्टडीज, बट जस्ट अ रेगुलर स्कूल, ठीक है, एज फार एज ऑल दीज सब्जेक्ट्स आर कंसर्न्ड। लेकिन साथ में हम अपने करिकुलम में, हमारे पास इस्लामिक स्टडीज, अरबिक और कुरान के सब्जेक्ट्स भी होते हैं, तो हमारे बच्चे वही सेम असेसमेंट्स लेते हैं, सेम वही करिकुलम पढ़ते हैं जो पब्लिक स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं। लेकिन हमारे अच्छे सेफ इस्लामिक एनवायरमेंट में है, और प्लस हमारे पास एडिशनल अरबिक कुरान इस्लामिक स्टडीज की भी क्लासेस हैं। Right. ये kind of private school की तरह का हो गया ना, जैसे यहाँ पे भी लोगों को बड़ा शौक होता है जी, private school में इतनी इतनी फीसें भी देंगे और ये वो करते हैं, तो लेकिन यहाँ पे ये फायदा है कि बिल्कुल वैसे ही environment इनको मिलता है। तो अच्छा, दूसरा मैंने ये पूछना था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ के बच्चा ग्रेजुएट होके जब वो कॉलेज जाएंगे तो क्या वो कम्पीट कर सकते हैं, वो मतलब हमारे बच्चे, हमारे स्टूडेंट्स सारे वो स्टेट के, जैसे पाकिस्तान वगैरह में बोर्ड के एग्जाम्स होते हैं, राइट? तो यहाँ पर भी, अमेरिका में भी इस किस्म के स्टेट के अपने टेस्ट होते हैं, एग्जाम्स होते हैं, तो हमारे बच्चे वो टेस्ट लेते हैं, और माशाल्लाह हमारे स्टूडेंट्स जो स्टेट के एवरेजेस उनसे ज़्यादा उनकी अच्छी परफॉर्मेंस होती है, तो आवर स्टूडेंट्स डेफिनेटली कैन गेट इनटू लीडिंग कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस वेयर एवर दे वांट टू गो। ये ना, मैं ये कहती हूँ कि देखो, आई विश कि पाकिस्तान में भी स्कूल इसी लेवल के हों, क्योंकि मैं अक्सर ये बात कहती हूँ कि वहाँ पे जैसे अमेरिकन स्कूल है, मेरी अपनी फैमिली में मैं देखती हूँ कि जब उन्होंने एडमिशन होना होता है, बच्चे बेचारे छोटे छोटे बच्चे होते हैं, माओं की जिंदगियां अजाब में आ रही होती है कि किस तरह से उनको पढ़ाना है और वो टेस्ट किसी तरह से क्लियर कर ले। और यहाँ पे बेसिकली मुझे याद है कि जब समर पैदा हुई थी तो सबसे ज्यादा वो कहते ना, घर में शोर ये था कि एडमिशन करा दो, एडमिशन करा दो इस्लामिक स्कूल में, इसका वहां नहीं मिलेगा, क्योंकि उस्मान के जितने भी, अरुबा उस्मान के जितने दोस्त है ना, वो सारे एक ही एज ग्रुप के, तो सबके बच्चे उसी एज ग्रुप में है, तो हर माँ एक दूसरे को तुमने करवाया, और सबसे पहले क्वेश्चन बच्चे का दाखिल करा देना उधर। तो कितनी खूबसूरत बात है कि यहाँ पे इस्लामिक स्कूल में दाखिल कराने के लिए वही तड़प है माओ के अंदर, और अल्हम्दुलिल्लाह, और इतनी अच्छे से, मैं तो अभी समर को देखती हूँ ना, माशाल्लाह 7 साल की है, अभी आप लोगों का फंड रेस हो रहा है, आई थिंक, है ना? जी 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 जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताओगे आप? जी बिल्कुल बिल्कुल, और जस्ट टू ऐड टू व्हाट यू सेड कि माशाल्लाह लोगों में वाकई बहुत तड़प है, द वे द कम्युनिटी हैज यू नो रिसीव्ड दिस स्कूल एंड सपोर्टेड दिस स्कूल इज टोटली अमेजिंग। हमारी वेटिंग लिस्ट है, और हमारे बच्चे, मतलब माओ के बच्चे पैदा होते हैं और नाम लिस्टों में लिखवा देते हैं, और फिर भी बारियां नहीं आती। तो अल्लाह का शुक्र है, और इसीलिए हमें जरूरत है कि हम अपने कैंपस को एक्सपेंड करें, हम और क्लासेस डालें, कम्युनिटी के इतनी नीड है, इतना सपोर्ट है, इतने जरूरत है लोगों को अच्छे एजुकेशन की, और लोग देखते हैं और सपोर्ट करते हैं, तो इसीलिए हमने एक डिनर रखा है 2 हफ्ते के बाद, ताकि हम थोड़े से और यू नो एक तो लोगों को बताएं कि हमारा स्कूल क्या और कैसा है, और फिर लोगों का और सपोर्ट लें, फाइनेंशियल सपोर्ट, मॉरल सपोर्ट, वॉलंटियर सपोर्ट, क्योंकि हमारे इदारों के साथ एक चीज ही होती है ना कि हमें गवर्नमेंट की कोई फंडिंग नहीं मिलती, प्राइवेट स्कूल्स आर प्राइवेट स्कूल्स, हमारा सारा जो है रेवेन्यू तो ट्यूशन से आएगा या फिर लोगों के सपोर्ट से आएगा। ओके, तो इसलिए भी हमारे लिए जरूरी है कि हम यू नो लोगों को अपने स्कूल के बारे में बताएं, ऐसे हम डिनर्स करें, ऐसे इवेंट्स करें ताकि लोग हमारे स्कूल के बारे में जानें, और फिर आके हमारी हेल्प करें, ये अच्छा काम है,
और इंशाल्लाह अपने काम अच्छे से करवाता है। देखो नई नस्ल का मामला है, अमेरिका में नई नस्ल ऐसे बड़ी, ऑनेस्टली मैं समझ जो है ना, मुझे इतना प्यार आता है क्योंकि मेरी बेटी नहीं थी तो पहली बच्ची है ये घर पे, तो जब ये छोटी छोटी चीजें ऐसी करती है ना तो इतनी खुशी होती है। अब मुझे कहती है दादी व्हेन आई विल बी 10 इयर्स ओल्ड आई विल वेयर हिजाब, मैं कहूँ माशाल्लाह माशाल्लाह, खुदी से उनको कुछ नहीं कहना पड़ रहा, यू नो वो स्कूल से सीखती है, स्कूल में उनके दोस्त ऐसे हैं सारे के सारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी है आप लोगों की वजह से। आप देखो जो नई नस्ल इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो हमें उम्मीद है कि आगे वो बेहतर होगी, तो लोग डराते थे ना अमेरिका जब आते हैं तो देखा जाके पता चलेगा बच्चे जब ऐसे होंगे तो, नहीं यहाँ पे बहुत अच्छा हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो यही मैं बताना भी चाह रही थी कि देखो यहाँ पे क्या क्या चीजें हम लोग, बल्कि मैं सोच रही थी कि किसी दिन आपके स्कूल का विजिट भी मैं अपने यू नो लिसनर्स को कराऊं कि कैसा वो स्कूल है, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं। बिल्कुल एब्सोल्युटली, बहुत खुशी होगी हमें, आप बताएं इंशाल्लाह ताला हम आपको वर्चुअल टूर करा के देंगे स्कूल का इंशाल्लाह, और मैं आपको अमेज्ड टू सी इंशाल्लाह। और ऑनेस्टली मैं आपको ये भी बता दूं अपने लिसनर को कि ये इट्स नॉट अ पेड थिंग कुछ भी, ये ऐसे दिल से हो रहा है कि मेरा दिल चाह रहा था, क्योंकि समर है ना घर में, तो उसी की वजह से जब मैं देखती हूँ तो मुझे ये लगता है कि मे बी बहुत से ऐसे पेरेंट्स हो जिनको पता ही नहीं हो इस्लामिक स्कूल का, वो देते हैं कि मे बी इट्स लाइक अ मदरसा काइंड, ये तो नहीं है कि बच्चे वहां जाके तो पता नहीं क्या सीखेंगे कैसे नहीं, तो उनको ओपन अप करने के लिए कि नहीं ये स्कूल जो है इट्स लाइक अ प्राइवेट स्कूल जैसे जाते हैं बच्चे, और वहां पे वही एजुकेशन है जो यहाँ पे रेगुलर स्कूल में है, और साथ उसके इस्लामिक एजुकेशन है क्योंकि माओं के पास वक्त नहीं है इस तरह से। लेकिन आप देखिए कि बच्चे माशाल्लाह समर क्योंकि हिफ्स कर रही है, मैं ऑनेस्टली ड्रीम वो होता है ना कम्स ट्रू जैसे वाली बात हो जाती है, वो 30th पारा भी करी है तो इतना प्यारा, वो कल मुझे गाड़ी में मेरे साथ जा रही थी कहीं पे मैंने जाना था, पूरे रास्ते मुझे उसकी टेस्ट था सूरत शम्स का, तो पूरे रास्ते मुझे वो सुनाती रही थी, मैं ऐसे लाउड समर लाउड बोलो क्योंकि उसकी आवाज छोटी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आपके स्कूल से ऐसे से बच्चे निकल रहे हैं। तो कल मेरी रुखसाना बाजी से बात हो रही थी, वो भी मुझे ये बता रही थी कि आयशा मेरे स्टूडेंट जो थे अब, क्योंकि अब तो वो छोड़ दिया उन्होंने पढ़ाना, तो कहती कि माशाल्लाह डॉक्टर्स इंजीनियर और टॉप के यू नो पे गए हैं बच्चे, क्योंकि दे वर फोकस्ड बेसिकली। वो बात है ना कि पब्लिक स्कूल में इतना डिस्ट्रैक्शन होता है ना, यहाँ हमारा सेफ माहौल है, टीचर्स बच्चों को बताती हैं, फिर माहौल है, एक कंपनी है, तो वो पूरा कंप्लीट पैकेज बनता है। बहुत खूबसूरत, मैं कहती हूँ आई एम ऑनेस्टली ब्लेस्ड कि मुझे आपका स्कूल का पता चला। मुझे शुरू में डर भी था, जैसे मैंने रहमान उस्मान सॉरी उस्मान को बताया ना, तो मुझे ये था कि हाय पता नहीं वो कराएगा कि नहीं कराएगा, यहाँ पे जो बच्चे पैदा हुए हैं तो उनको उस जमाने में ये स्कूल नहीं होते थे ना, तो मुझे ये था कि पता नहीं ये सोचेगा कि मतलब बच्चे ऐसे हो जाएंगे, मैंने इस्लामिक स्कूल में कराना। अच्छा मैंने फिर चलाकी ये की कि अच्छा बेटा बेशक ना कराओ, एक दफा जाके ना बस देखाओ, अगर नहीं पसंद आएगा तो ना करना। तो वो कहता है ठीक है, वो दोनों जब गए तो वापस आके दे वर सो हैप्पी कि मॉम वी जस्ट यू नो लव्ड इट। तो फिर हम उन्होंने डिसाइड किया कि नहीं इधर ही समर को भेजना है हम लोगों ने, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं वो सारे उधर ही के लिए तैयारी। looking forward to serve your whole family and whole community inshallah taala. तो आपके पास फरह मुझे बताओ भी कुछ कि कितने बच्चे हैं अभी तक स्कूल में और क्या है? तो माशाल्लाह हमने स्कूल 15 साल पहले शुरू किया था, मैं स्कूल का पहला एम्प्लॉई थी उस वक्त। हमने शुरू किया था 5 बच्चों से, 2007 की बात है, और कैसे कहते ना कि लोग आते गए और कारवान बनता गया फैलता गया, और अल्हम्दुलिल्लाह आज इस वक्त स्कूल में मेरे पास समर तकरीबन 550 स्टूडेंट्स हैं, और वेटिंग लिस्ट है मोस्ट क्लासरूम्स के लिए, और मुझे ईमेलें टेक्स्टें कॉलें आती रहती हैं कि जी अब आप किसी तरकीब से जगह बनाए कि हमारा बच्चा हमें घुसाना है। कुछ कहते हैं कि हम घर से कुर्सी ले आते हैं, मैंने घर से कुर्सी नहीं पूरा कमरा लेके आए तो हम आपके बच्चों को डेफिनेटली ले लेंगे। आई नो नहीं मैं बल्कि जो सुन रहे हैं और बाद में भी सुनते रहते हैं, मैं ये बताना चाहूंगी अगर आपका डोनेशन का क्या है, अगर कोई आउट ऑफ टाउन से या आउट ऑफ कंट्री से डोनेशन करना चाहता है तो आपकी वेबसाइट का आप थोड़ा सा बताओगे? बिल्कुल बिल्कुल, तो ये स्कूल का नाम हमने वर्ल्ड हाईएस्ट पीक एवरेस्ट के नाम पे रखा है, तो एवरेस्ट अकेडमी, और अगर कोई लिसनर्स वगैरह देखना चाहें तो इट्स everest-academy.com हमारी वेबसाइट पे आइए, देखिए उस पर हैं टैब्स डोनेशन के भी हैं और बाकी इन्फॉर्मेशन के भी हैं, तो प्लीज आइए देखिए, और उससे आपको मुझको आप कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, इस पर कॉन्टैक्ट इसका भी टैब है, काफी कुछ सवाल आते हैं तो प्लीज आप मुझे उसके थ्रू आप मैसेज भी कीजिए,
और मैं डेफिनेटली जवाब दूंगी. और सबसे बड़ी चीज़ कि आप दुआ भी हमें याद रखिए. आपको डोनेशन तो हमें फाइनेंशियली तो चाहिए, मगर साथ हमें आपकी दुआ चाहिए. कभी कभी होता है ना कि छोटे से में बरकत हो जाती है, होता है कि उसमें बड़े में भी बरकत नहीं होती. तो ये माशाल्लाह मैं देखती हूँ कि हमारा स्कूल में अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने बहुत बरकत दी. अच्छा मैं देखती हूँ स्कूल कितने कितने पुराने होते हैं और वो स्ट्रगल करते रहते हैं. और हमारे स्कूल हालांकि इट्स रिलेटिवली यंग, और माशाल्लाह जिस तरह हमारे स्कूल ने तरक्की की है. जब मैंने स्कूल शुरू किया तो हमारे पास 4 क्लासरूम्स थे, आज मेरे पास 25 क्लासरूम्स हैं, और फिर भी वो कम पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह. और ये सारा ये डोनेशन, ये सारा सपोर्ट ये कम्युनिटी ने ही दिया स्कूल के लिए. मैं ऑनेस्टली ये कहूंगी कि कई दफा होता है ना, इट ऑल डिपेंड, आप नहीं ज्यादा, आप बेशक $100 ही दे दें, मतलब एक ईंट भी अगर उनसे आ जाती है और वहां से कोई एक बच्चा भी ऐसा निकल आता है जो अल्लाह का पैगाम लेके चलने वाला है, तो आप सोचे कितना खूबसूरत सदका जा रही है हमारे लिए, आने वाली नस्ल को बचाने के लिए. जो भी आप लोग का दिल चाहे, आप उतना जरूर डोनेट करें ताकि ये स्कूल बड़े हों, ताकि ज्यादा से ज्यादा, जैसे फरहान ने बताया कि कितने लोग अभी तक भी वेटिंग लिस्ट में, उनको नहीं मिल रहा टाइम, मतलब जगह नहीं मिल रही है. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इतनी बड़ी ये जगह कर दे कि सब बच्चों को यहाँ पे एडमिशन मिल जाए, सब मुसलमान बच्चे यहाँ पे. अच्छा यहाँ पे पाकिस्तानी बच्चे और मतलब सारे मिक्स बच्चे हैं? मिक्स हैं हम, हमारा क्राइटेरिया को ऐसा कुछ नहीं है. हाँ बड़ी ग्रेड जाते तो हम टेस्टिंग वगैरह करते हैं, लेकिन रेस इज नॉट अ क्राइटेरिया. जो बच्चा यहाँ आना चाहता है, इसके ग्रेड्स अच्छे हैं, विलिंग है, तो डेफिनेटली हम दिस सर्विस. तो हमारी डेमोग्राफिक्स माशाल्लाह हिस्ट्री में पाकिस्तानी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो इसलिए हमारे पास पाकिस्तानी बच्चे बहुत हैं. हिस्ट्री में अरबी कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, तो हमारे पास अरबी बच्चे बहुत ज्यादा हैं. तो जहाँ तक डेमोग्राफिक का सवाल है, तो मैं समझती हूँ कि 40% पाकिस्तानी हैं, 40% अरबी हैं, और बाकी 10% फिर अफ्रीकन अमेरिकन भी हैं, इंडोनेशियंस भी हैं, चाइनीज भी हैं, हमारे पास उइगर मुस्लिम भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह. तो माशाल्लाह यू नो इट्स अल्हम्दुलिल्लाह इट्स अ वेरी वेरी मिक्स्ड रेशियल डेमोग्राफिक. और आपकी टीचर्स जो है, टीचर्स आपकी कहाँ से है ज्यादा? वो इनका भी यही सेम डेमोग्राफिक्स हैं. अच्छा हाँ, कि कुछ पाकिस्तानी हैं, कुछ अरबी हैं, कुछ अफ्रीकन अमेरिकन हैं, ओकेशियंस भी हैं, मुस्लिम्स हैं मोस्टली हमारा. माशाल्लाह सिर्फ एक पीई की कोच हमारी है जो नॉन मुस्लिम है, और माशाल्लाह वो हमसे ज्यादा आगे आगे सलाम हक को कर रही होती है. शी इज ब्लेंडेड सो वेल. तो हम लोग हायरिंग में भी, हमारे क्राइटेरिया नहीं है कि मुसलमान ही, ऑफ कोर्स हम चाहते हैं, प्रेफर करेंगे मुसलमान. खाली आप इंग्लिश पढ़ाते पढ़ाते भी आप इस्लाम ले आते हैं, आप मैथ पढ़ाते भी, इट्स ऑल इंटीग्रेटेड. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव या वी प्रेफर मुस्लिम टीचर्स. लेकिन अगर कोई नॉन मुस्लिम टैलेंटेड है, जैसे हमारी पीई की कोच है, शी इज अ नॉन मुस्लिम, बट शी इज ब्लेंडेड वेरी वेल विद द टीम एंड अल्हम्दुलिल्लाह. फरहान बहुत खुशी हुई, अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी तरह से, मैं कहती हूँ कि ये तो अमेरिका की बात है ना, हमारे पाकिस्तान में इस तरह से कर दे, क्योंकि नई नस्ल का मामला है ना, हमारा रोना ही ये होता है. तो अगर उनको स्कूल ऐसे मिल जाए ना, क्योंकि ज्यादा टाइम तो स्कूल में ही गुजारते हैं, घर में जाते हैं तो माओ ने जॉब से आना, थकी टूटी आती हैं, जल्दी से खाना खिलाया, ये किया, सुलाया उनको. तो मुझे तो लगता है अब असल तरबियत तो उस्ताद कर रहा होता है. तो अगर उस्ताद अच्छे मिल जाए, अगर स्कूल अच्छा मिल जाए, इससे बड़ी नेमत दुनिया में कोई नहीं होगी. तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों को इसका अजर अता करे कि आप लोगों ने जिस तरह से मेहनत कर रहे हो, और कितने साल से आप कर रहे हो, अपने तो कहा जैसे शुरू से ही आप हो ना? मैं तो शुरू से हूँ, मैं स्टीयरिंग कमेटी में भी थी, और माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि अब तक मैं इस नोबल प्रोजेक्ट का हिस्सा हूँ. तो जी 15 साल तकरीबन हमें हो गए स्कूल चलते हुए माशाल्लाह, और बाकी अल्लाह जो हमसे काम करवाएगा वो करवाएगा करवाएगा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. ठीक है जी, बस यहाँ पे अब खत्म करते हैं. कुछ क्वेश्चन थे यही मैंने क्लियर करने थे, और मैं इंशाल्लाह कोशिश करूंगी कि किसी दिन एक दिन स्कूल जाके भी आप लोगों को दिखा सकूं कि क्लासरूम में बच्चे कैसे होते हैं. क्योंकि सबर अभी पता तैयारी कर रही थी, क्योंकि उस दिन आई थिंक व्हाइट कपड़े पहने स्टूडेंट, दादी आई हैव टू वेयर हिजाब, तो फिर मुझे कैसा हिजाब लेना है. मैंने कहा बच्चा आप आ जाओ, मैं आई विल यू नो मैं आपके लिए, क्योंकि छोटी है तो मैं छोटा सा मैं बना के तुम्हें दे दूंगी. तो अभी से उसकी तैयारी ही फर्क हो रही है ना सारी की सारी. बहुत अच्छा लगता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला आप लोगों को अजर दे इसका, कि हमारी नई नस्ल को आप लोग महफूज करने की कोशिश कर रहे हो और अल्लाह सुब्हानहू तआला से जोड़ रहे हो. इससे बड़ा तो कोई काम नहीं है ना. तो फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम, फिर आपको बताऊंगी. ठीक है जी, ओके जी, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. आमीन या रब्बल आलमीन.